लेकर आउट हो जाए, सच बोलो पिताजी माफ कर देंगे, अंगुली खड़ी कर देंगे। नहीं आप बोलो क्या करेंगे फ्रेंड भाई, बराबर। तेंदुलकर कभी बोलेगा कि आप मेरा बाप और अंपायर होके मुझे आउट करते हो, तो बाप यही बोलेगा बेटा मैंने तुझे आउट नहीं किया, तू आउट है इसलिए मैं आउट हुआ, बराबर। भगवान अष्ट प्रकारी पूजा करो और तुम्हारा धंधामो दीवाणु निकले, तो भगवान एम कहो कि मारे अष्ट प्रकारी पूजा नु सुख रू, भगवान के त्या भाव्यू छे એટલે આંગળી ઊંચી કરી છે। 50 કરોડ નું મારું દેરાસર માન તો પણ મારે આંગળી ઊંચી કરવી પડશે જે તો પાપ કર્યા છે। તો हम ये बोलते हैं कि भगवान तेरी पूजा का फल क्या, भगवान बोले मेरी पूजा का फल फिर बताऊं तेरे पाप का फल क्या। कई लोग ऐसे बैठे महाराज साहब मैंने इतना धर्म किया फिर भी मेरे पे दुख क्यों आया, ये हमारी बिल्कुल बेकार सोच है। तेंदुलकर का बाप अंपायर होगा तो भी तेंदुलकर को आउट देना पड़ेगा क्योंकि वो आउट हो चुका है। भगवान को खुद को एक तीर्थंकर परमात्मा हमारे भाई कैसे है तुम सोच नहीं पाएंगे। भगवान महावीर एक बार 7वीं नरक में गए, 27 भूमि एक ही तीर्थंकर ऐसे कि 2 बार नरक में गए कोई नहीं। ऋषभदेव भगवान से परमात्मा महावीर देखकर कोई तीर्थंकर संकेत के प्राप्ति के बाद 2 बार नरक में गए, भगवान महावीर एक बार 4वीं नरक में एक बार 7वीं नरक में, तीर्थंकर खुद। तुम्हें लाइसेंस मिल जाएगा, हमारी बिल्कुल छोटी सोच है। इसलिए तो कई लोग मेरे पास आते हैं महाराज साहब मैं कोई नु खराब नहीं करी, मारू क्या खराब दियो, ये प्रश्न भी मत पूछना, दुख होता है कभी। नरक गति और तिरंज गति दुख की गति है, मगर चारों गति में दुर्बुद्धि हो सकती है, ये कंसेप्ट क्लियर करना। नरक गति और तिरंज गति लगभग दुखनी गति है, मगर मनुष्य गति और देव गति में दुर्बुद्धि भी तो हो सकती है, होती ही नहीं कहना चाहता हूं, हो सकती है। मे बी पॉसिबल देव गति माने सुख की गति, मनुष्य गति माने सुख की गति, मगर सुख प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो सद्बुद्धि है। इस समय में बैठने वालों को मैं सच बोलो, मैं कभी कभी मुझे प्रश्न होता है गुटखा खाऊं कैंसर होगा तो तुम डॉक्टर को गाली देगी क्या किसको, तुम्हें सीधा मालूम है कि गुरुदेव मेरी गलती थी तो हो गया, तो आज के जीवन में आया दुख किसी भी जन्म की मेरी गलती थी, इनके बिना दुख 100% नहीं आता। एनी क्वेश्चन ड्यू टू दिस सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी हो तो मुझे पूछ लेना, ताकि हम एकदम डेप में अभी आगे जाना चाहता हूं। फिर से दुख खराब नहीं, दुष्कार्य खराब, दुष्कार्य खराब नहीं दोष खराब, दोष खराब नहीं दुर्बुद्धि खराब। इनके सामने सीधी बात, सुख अच्छा नहीं सत्कार्य अच्छा, सत्कार्य अच्छा नहीं सद्गुण अच्छा, और सद्गुण भी अच्छा नहीं सद्बुद्धि अच्छी, दोनों न्यूट्रल चलता है। सुख सत्कार्य सद्गुण और सद्बुद्धि, दुख दोष दुष्कार्य दोष और दुर्बुद्धि, माने रूट में कौन आया, एक और रूट में सद्बुद्धि आई और यहाँ रूट में दुर्बुद्धि आई। मेरा सबसे ज्यादा फोकस किस पर, किस पर, दोष पर दुष्कार्य पर दुख पर या दुर्बुद्धि पर, मेरा अटैक किस पर, आपके मन में ये क्लियर राजू क्लियर, तो मैं आगे चलू। कभी नरक गति में कितने दुखे ठीक मैं बताऊंगा, 33 10 जानू जगन्य आयुष्या अब जाने शू करू छे। तत्वर सूत्र में वो शब्द लिखा है नरक गति का कारण बहुवारंभ परिग्रह नारकस्य आयुष्य। आप ये बोलते गुरुदेव नरक में नहीं जाना है, भगवान बोलते नरक गति का कारण दूर कर दे, कोई तुझे नरक में भेजने वाला नहीं है, नरक में कोई भेजता नहीं है, तू खुद जाता है, तो जाने की बेवकूफी नहीं करना, तो दो कारण से तुम मुक्त हो जा, बहुवारंभ परिग्रह नारकस्य आयुष्य, भयंकर कोटि का परिग्रह और आरंभ समारंभ, यह नरक गति में जाने का लाइसेंस है। 5 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ 5000 करोड़ चाहिए ही चाहिए फिर नरक गति तैयार है। घोर आरंभ समारंभ, हिंसा 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 हिंसा, हर जगह हिंसा का प्रोजेक्ट, चाहे कुछ भी हो जाए मगर यह है नरक गति का कारण। नरक गति से बचना है कि नरक गति के कारण से बचना है, भगवान वो मेरे से कारण दूर करो।